पूरा घर अंकित और प्रियंका पर भारी पड़ा या सिर्फ दो अंकित प्रियंका एक हो गए और पूरे घर पर भारी पड़े? चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि अंकित और प्रियंका के खिलाफ पूरा घर नॉमिनेशंस में नजर आया। इसकी प्लानिंग तो वैसे एक दिन पहले ही हो चुकी थी कैप्टेंसी टास्क के बाद। जिस तरह से कैप्टेंसी टास्क के वक्त प्रियंका और सौंदर्य के बीच दूरियां आई, उसके बाद तो पूरी तरह से सौंदर्य भी अब उनके खिलाफ ही नजर आने वाली हैं। सौंदर्य भी अब उनको उन्हीं के तरीके से मे भी गेम खेलकर दिखाएंगी। हालांकि कल मुझे भी ऐसा लगा कि प्रियंका को, जो उनकी इतनी पुरानी दोस्ती है, उस पर खड़े उतरना चाहिए था और उन्हें सौंदर्य को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सौंदर्य ने भी उन्हें सेव किया और वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप को प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए थी, क्योंकि आप दिल से खेलते हैं जैसा शिव ने कहा था। बट ठीक है, उनका वो डिसीजन था, हालांकि मुझे वो गलत लगा डिसीजन प्रियंका का। बट फिलहाल चलिए मैं आपको बताती हूं कि कैसे प्रियंका अंकित के खिलाफ पूरा का पूरा घर नजर आया है। जी हाँ, चलिए दिखाते भी हैं आपको और सुनाते हैं। सबसे पहले तो आजा, तू भी आजा, तू भी रोले। अंकित प्रियंका, अंकित जी वो घर जाए प्रियंका। तो आपने क्लियरली सुना कि हर किसी ने अंकित प्रियंका, अंकित प्रियंका वो घर जाएं, क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें घर ही जाना चाहिए और वो इस शो के लिए फिलहाल नहीं बने हैं। दोनों में से एक भी अगर जाएगा तो दूसरे का गेम बहुत स्ट्रांगली दिखकर आएगा और इन दोनों को देखकर डेफिनेटली बार बार रूबीना अभिनव की याद आती है। बिकॉज वो भी घर में आकर नहीं मिले थे, वो घर के बाहर से अपना रिश्ता लेकर आए थे, तो जाहिर सी बात है लास्ट तक भी लोगों ने इसी बात पर उन्हें किया था वोट आउट, यही कह कहकर कि क्योंकि आप पहले से एक दूसरे को जानते हो तो आप एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा एसेट हो। बट ये भी सोचना चाहिए कि आप एक दूसरे के लिए लायबिलिटी भी बहुत बड़ी हो, क्योंकि आपके पर्सनल रिश्ते की कई बातें बाहर दिखती हैं। एनीवेज, तो जैसा मैंने कहा कि इस वक्त बवाल इसी चीज पर हुआ है। सौंदर्य, अर्चना, निमृत, शिव, स्टैन, इन सब ने मिलकर नॉमिनेट किया है प्रियंका अंकित को, जिसमें से प्रियंका हालांकि नॉमिनेट नहीं होती हैं, बच गई हैं प्रियंका, लेकिन हाँ अंकित डेफिनेटली नॉमिनेटेड है। दूल्हे को नॉमिनेट करना है, ये तो कल मतलब डंके की चोट पे हर किसी ने ये बात कह दी थी। सॉरी, सो डंके की चोट पर हर किसी ने ये बात कह दी थी कि कुछ भी हो जाए हमें इसको नॉमिनेट करना है, हमें इसे शो से बाहर निकालना है। कल से ये प्लानिंग चल रही है और गॉड नोज कि अंकित निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में जिस तरह से पूरा घर प्रियंकित के खिलाफ हुआ, हालांकि नॉमिनेशंस के बावजूद प्रियंका और अंकित बिल्कुल चिल्ड थे, क्योंकि वो इतनी बार नॉमिनेट हो चुके हैं, मे भी उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता।